ठोक ठाक दिया क्या रे भाई? पैर में लगा क्या मेरा? पैर में लगा सर। की हाल चाल, सत श्री अकाल गाइस, तुम्हारा दोस्त एंड होस्ट रितेश वापस आ गया। क्या भैया कोई बात नहीं, क्या कर रहे हैं अंकल बीच रोड में? डजंट मैटर, कपड़ा का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इशू नहीं है उसका। तो भिलाईकर बॉय आर्मी, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, ग्लव्स नहीं पहना, फिर से भूल गया। तो फिलहाल अपन फिर जा रहे हैं दुकान के काम से सिविक सेंटर, एंड हमारे डिलीवरी बॉय काफ़ी वेल, ये बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं धूप में, इनके लिए सल्यूट होना चाहिए। और अपना घर को चलाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं ये। अगर हो सके आपके यहाँ, अगर आप डिलीवरी करवाते हैं इनके साथ, तो एक काम कर दीजिए कि जब भी आए इनको एक बार पानी पूछ लीजिए, कुछ भी, मतलब थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं जितना आप मदद करें। बेचारे ये लोग भी इंसान ही हैं। और चिड़ियों के लिए आप चाहें तो घर के बाहर पानी रख सकते हैं गाइस, गाय रहती हैं। अच्छा हाँ गाइस, एक चीज़ है, आप ना कमेंट करके मेरे को बताना कि मैं एक वीडियो सोच रहा हूँ लाऊँगा कि गाय वाय के लिए मैं पानी की व्यवस्था करूँ और चिड़ियों के लिए भी पानी और खाने का व्यवस्था करूं, और ये मॉर्निंग में करूं कि इवनिंग में करूं, ये मैं कंफ्यूजन हूं। तो कैसे करूं समझ नहीं आ रहा गाइस मेरे को। वीडियो बनाऊं कि नहीं, शाम को बनाऊं, सुबह बनाऊं, क्या है मेरे को भी। एक पक्षी मेरे सामने ना प्यास में थोड़ा तड़प रहा था, और उतने में उसको मैं बचाने के लिए गया, कुत्ता उसको झपट लिया, मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा गाइस, इसलिए बोल रहा हूँ। आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए इनका। और आगे अपना लीनिंग, अरे रे 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 रे, अबे सचिन ठोक ठाक दिया क्या रे भाई? पैर में लगा क्या मेरा? पैर में लगा शायद। भैया बहुत जोर से लगा भैया मेरे को। जोर से लगा भैया, एकदम तान के ना। गाड़ी में क्या लगा दिखाओ? गाड़ी में स्क्रैचेस आया यहाँ पे, ये भी हो गया, ये लगा यहाँ पर लगा है, मतलब असली यहाँ पर बस रगड़ाया है। चलो गाड़ी को कुछ नहीं हो, मेरे को लगा दिए भी आप। अरे वो अंकल भी आ गया सामने में, अब उसी की वजह से कंफ्यूज हो गए आप। हाँ यार, वही आ रहा था ना वहाँ से, तो कंफ्यूजन हो गया इधर जाऊँ किधर जाऊँ। आप भी इधर से आ रहे हैं, अभी इधर जल्दी आ रहे थे, वहाँ पर देखो ना पूरा वो भी लगा हुआ है, धूल वगैरह। मेरा भी गाड़ी थोड़ा अनबैलेंस हो गया, देख सकते हैं वहाँ निशान है, निशान है और पैर में, लेकिन लगा भी है तान के मेरे को। भाई माफ कर यार, जल्दी में थोड़ा एक एक्सीडेंट हो गया है, तो यहाँ पे जा रहा था, फोन आया आराम से चलाया कर भाई। हाँ यार, लेकिन मैं क्या करूँ, थोड़ा जल्दी में था, देख रहा है वैसे मुखा ब्लीड लगा, बंद कर गया जल्दी जल्दी में। हेडफोन लगाया था क्या? नहीं यार, लग गया भैया, लेकिन मेरे को तान के भैया। अरे यार मैं पैसा भी रखा हूँ, तुम इलाज कर दूँ, देखो भाई आप बस चले जाओ। अरे यार पैसे का बात नहीं है, प्रभु अपने को दिया है, लेकिन लगा भैया तान के मेरे को, क्या बताऊँ। अरे नहीं भैया, पैर वैर मत पड़ो, छोड़ो तो गाड़ी मालिक की है, मैं तो काम करता दूसरी जगह भाई। करो यार, आपको भी यहाँ पे आ गया तो इसी की वजह से।
क्या सोच रहा था, चलो छोड़ो भी अब, पर जाओ आप जाइए। धन्यवाद भाई, ठीक है ब्रो, आराम से चलाना गाड़ी यार। लगा यार कान के भैया मेरे को, हेडफोन कभी मत यूज करना। ओ चल हम कर लूँगा भाई, उसका टेंशन नहीं है, छोड़। बस ना मेरा पैर को देखना पड़ेगा यार, मेरा पैर में लोहा लगा ना बम्पर में, पता नहीं चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा, वो देखना पड़ेगा। डॉक्टर दिखा देना भाई, इलाज जो होगा सरकारी में चले जाना, पैसे तो है नहीं मेरे पास। अरे नहीं भाई छोड़ दो, मैं कर लूंगा मैं कर लूंगा, ठीक है देख के चलाना भाई, ऐसे ना समझ रहे ना, कंट्रोल करना बाइक को, ठीक है ना। आपके आपके गाड़ी में तो लगा नहीं है, वैसे मेरे ही में लगा, छोड़ो। चलो ठीक है भाई, हाँ ठीक है ठीक है भाई। नहीं भैया मन कर रहा यहीं पर लेट जाऊँ, इतना ज़्यादा दर्द कर रहा। सुनो ना भैया, हॉस्पिटल चलते क्या? चलो हॉस्पिटल चलते, दिखा लेना एक बार पैर को। आप ही चलाओ भैया, मैं नहीं चला सकता, ठीक है ना। चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा? नहीं चल पा रहा हूँ ना भैया, आप ही चलाओ ना। हॉस्पिटल ले जाओ ना सीधा। हाँ भैया, सेक्टर 9 चले क्या? सेक्टर 9 चलते हैं भैया। अरे भैया क्या बताऊं, असल में ना ये पता नहीं है क्या गिरा है रोड में, देख सकते धान वान क्या क्या गिरा हुआ है, वहाँ पर टायर स्लिप मार दिया मेरा, और पीछे टायर ना गर्मी के दिन में कुछ ज़्यादा ही स्लिप मार रहा है। हेलीपैड में आ गए, गाइस हवा आ रही होगी तो माफ़ करना, ऐसे में कुछ ज़्यादा ही हवा आता है, स्लो कर दो भैया, चौक में हमेशा भीड़ रहता है। डिलीवरी बॉय, सुनो ना भैया, ऐसा करते हैं अभी आपके दुकान के पास शोरूम है तो गाड़ी को पहले शोरूम में चलते हैं और आपके गाड़ी में फिर अपन वहाँ निकल जाएंगे हॉस्पिटल, ठीक है? पास में हॉस्पिटल भी है, पहले ना पहले गाड़ी को एक बार वहाँ रख देते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं शोरूम, मैं शोरूम बोलता हूँ हॉस्पिटल, ठीक है? चलिए आप आपके दुकान चलिए, आपका गाड़ी लेंगे पहले वहाँ से। वहाँ पर डैमेज ले लिया है गाइस, वैसे गाड़ी तो पता नहीं है, अंदर में अगर कुछ लीक वीक हो जाएगा तो दिक्कत है ना, गाड़ी में भी आधे रास्ते में बंद हो जाएगा, दर्द में फिर क्या ही करेंगे, एम्बुलेंस बुलाना पड़ जाएगा। वैसे पैर कुछ ज़्यादा ही दर्द कर रहा है गाइस मेरा, दुकान में कस्टमर आ गए गाइस भैया के, तो वो आ रहे हैं बोले हैं, तब तक मैं गाड़ी को शोरूम में छोड़ देता हूँ, पास में ही है शोरूम। पता नहीं गाइस पैर में बहुत ज़ोर से लगा है, असल में रियलिटी ये है गाइस, मेरे को डर लग रहा है मेरी मम्मी क्या बोलेगी,
बाइक मैंने अपने पैसे से नहीं ख़रीदा, ये मेरी मम्मी ने ख़रीद के दिया है मेरे को, तो इस वजह से थोड़ा डर लगता है ना गाइस। आप लोग तो जानते हैं, फैमिली वाले गाइस होंगे तो आपको पता होगा, मैं तो अर्निंग कर नहीं रहा हूँ अभी, जो है वो घर का है, तो डर लगा रहता है क्या बोलेंगे घर में। अगर हो सके तो इंश्योरेंस तो है वैसे मेरे गाड़ी का, शोरूम आ गए, पूछना पड़ेगा यार, जो दर्द दे रहे हैं ना बता नहीं सकता गाइस, मैं अति टाइप से दर्द कर रहे हैं। जो है वो 5 मिनट में आ रहे हैं, मैं गाड़ी का बात करने वाला हूँ, बात करके बताता हूँ मैं क्या है कैसा है, और उसके बाद क्या अंदर में चालू करने के लिए मना की, इसको जिसमें यहाँ पर आया हूँ बता रहा हूँ क्या बात। Meanwhile, few inches later, date. पर ऐसा कुछ हाल हो गया इसका, कहाँ पड़ा है, यहाँ यहाँ पड़ा है, देख सकते हैं यो, चलता हूँ फिर आता हूँ आता हूँ। तो गाइस चेंज हो चुका है फाइनली, सॉरी गाइस, रास्ते में आया, उसका वीडियो मैं बना नहीं पाया क्योंकि जो मेरा कैमरा था वो मेरे दोस्त के पास मैं छोड़ दिया था, और उसका दुकान यहीं है, उस दिन जानते हो ना पैर में चोट लग गया था इस कारण, और अंदर में आया, यहाँ पर बनाया नहीं मैं, और भैया लोग से बात भी कर रहा था तो उनका क्या फेस वेस दिखाना मेरे को अच्छा नहीं लगता। बाकी सर्विस इनकी बहुत ही बेहतरीन है गाइस, आपको पता ही होगा कि एक दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मैंने गाड़ी को छोड़ा और इंश्योरेंस वगैरह मैंने क्लेम किया, फिर उसके जस्ट एक दिन बाद इनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल था, इन्होंने आज पूरा नया लगा दिया मेरा राइट तरफ का फ्रेम, इतना फास्ट सर्विस, काफ़ी खुश हूँ मैं इस चीज़ से। और जहाँ तक बात रही मेरे पैर की, तो थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, नंब हो गया था जो एरिया, ठीक है अभी। अरे इसका टायर को देखो कैसा हो रहा है गाइस, कभी भी फिका जाएगा, नैनो है ना, बट कार की गलती नहीं है, उन्होंने मेंटेन करके नहीं रखा, ये गलती है उनकी। आ गए अपने बॉस की दुकान। यो